गार्लिक नूडल्स हॉट वेजी सॉस बनकर बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एई किचन्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नूडल्स और वेजी हॉट सॉस बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, तो स्टार्ट करेंगे जल्द से रेसिपी बनाना। गार्लिक नूडल है, इसमें मैं ज्यादा वेजिटेबल्स यूज नहीं करूंगी क्योंकि मैंने इसके साथ वेजी सॉस बनानी है। ये लहसुन काफी सारा ले लेंगे हम, आधा लहसुन हम डालेंगे अभी और इसको क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह का ब्राउन और क्रिस्पी सा हमने लहसुन को करना है। और ये जो है इसको साइड पे कर दूंगी और इसको निकाल लेंगे हम कटोरी में। ये जो हमने फ्राई किया है पहले लहसुन, ये देखिए लहसुन फ्राई किया, इसको निकाल लिया। जो बाकी का लहसुन था फिर से हमने पैन में डाल दिया, ऑयल तो था ही इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नूडल्स में डालने के लिए प्याज कट करा है एक मीडियम साइज का और थोड़ी सी शिमला मिर्च। फ्लेम को कर लेंगे अब हम हाई और इन दोनों चीजों को हम डाल देंगे। ये देखिए, एक मिनट की हाई फ्लेम पर मैंने इनको पकाया। ज्यादा कुक नहीं करना हमें इन वेजिटेबल्स को और ये नूडल्स हम इसमें डाल देंगे और साथ ही हम सभी सॉसेस भी ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच चिली गार्लिक सॉस, दो छोटे चम्मच विनेगर यानी सिरका, आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, नमक डाल देंगे इसमें हम आधा छोटा चम्मच, क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है तो हम थोड़ा ध्यान से ही डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम अजीनोमोटो, थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच अजीनोमोटो ऐड कर देंगे और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी इसमें अच्छा फ्लेवर और लाने के लिए इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने ऐड कर दी। अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा हम रख लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया, नूडल्स में ज्यादा वेजिटेबल्स नहीं डाली क्योंकि हमने इसके साथ बहुत ही बढ़िया सी वेजिटेबल हॉट सॉस बनानी है। तो ये नूडल्स तो हमारे बनकर रेडी हैं, इनको फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये देखिए, गर्मा गर्म नूडल्स मैंने प्लेट में निकाल लिए। अब इसी पैन में दोबारा से हम ऑयल ऐड करेंगे, दो से तीन छोटे चम्मच। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, तीन छोटे चम्मच मैंने इसमें ऐड किया ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए मैंने एक छोटी हरी मिर्च, थोड़ा लहसुन और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का कट करके रखा है। पहले हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। थोड़ा कुक होने के बाद फिर इसमें हम अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। लाइट ब्राउन हो गया तो इसमें हम ये भी ऐड कर देंगे। वेजी हॉट सॉस बनाने के लिए मैंने खूब सी वेजिटेबल ली हैं, सीजनल वेजिटेबल हैं। ये देखिए, तीनों तरह की शिमला मिर्च हैं, ग्रीन, येलो, रेड और साथ ही ये बेबी कॉर्न्स हैं, कुछ बीन्स हैं इस तरह से कट करी हुई, कैरेट यानी गाजर है, इधर ब्रोकली भी ली है हमने, मशरूम लिए हैं। सबसे पहले इसमें हम मशरूम ऐड कर देंगे, इनको हल्का सा कुक करेंगे। मशरूम को एक दो मिनट ही कुक करेंगे। ये लहसुन में अब हम सब वेजिटेबल इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए वेजिटेबल्स हमने बिल्कुल छोटी चॉप नहीं करनी, इसके लिए इसी तरह से थोड़ी मोटी वेजिटेबल ही हम रखेंगे। और ये देखिए, मैंने पनीर भी कट किया है मोटे मोटे टुकड़ों में, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम सब वेजिटेबल्स डाल देंगे और फ्लेम को हाई करके इनको थोड़ा सा पकाएंगे।
फ्लेम को हाई करके 2 मिनट मैंने इसको स्पून चलाते हुए पकाया। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ी काली मिर्च ऐड कर देंगे और सभी सॉसेज ऐड करेंगे। एक चम्मच यह है चिली गार्लिक सॉस, 2 छोटे चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे विनेगर के, सोया सॉस 1 चम्मच भरकर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा अजीनोमोटो ऐड किया मैंने और इसमें 2 छोटे चम्मच अभी हम डाल देंगे टमेटो सॉस। सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम मिक्स करने के बाद डालेंगे पानी। ये देखिए 1 बड़ा गिलास मेरे पास पानी का है। जितनी भी हमने इसकी ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा बॉयल आने देंगे इसको, थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 3 छोटे चम्मच मेरे पास कॉर्न फ्लोर है, उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये वेजेस में भी बॉयल आना शुरू हो गया। अब इस कॉर्न फ्लोर के मिक्सचर को हम धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स इस टाइम पे आप चेक करके देख सकते हैं, आपको कोई भी सॉस नमक मिर्च कुछ भी कम लगे तो आप इस टाइम पे डाल सकते हैं। और ये देखिए बस ये हमारी जो ग्रेवी है जो हमारी सॉस है थिक होना शुरू हो गई। ये भी आपकी रिक्वायरमेंट पे है, अगर आपको ज़्यादा थिक खाना है, मेरे लिए ये सफिशेंट है, ज़्यादा थिक खाना है तो आप थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लोर और डाल लीजिए। अच्छे से ये बॉयल होगा। अब हम ये जो पनीर क्यूब्स हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे और खूब सारा हरा धनिया ऐड किया। बस ये ग्रेवी हमारी बनकर अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। सर्व करेंगे, एक साइड पर नूडल्स रख देंगे। गार्लिक नूडल्स हमने बनाए हैं तो ये देखिए जो हमने गार्लिक फ्राई करके रखा था वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे, बहुत ही यमी लगता है ये क्रंची गार्लिक। और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे, अगर आपके पास हरे प्याज अवेलेबल हो तो क्रंच के लिए आप वो भी डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और अब हम डालेंगे ये जो हमने यमी सी हॉट वेजी सॉस बनाई है इस तरह से नूडल्स के साथ, ये बहुत ही बढ़िया लगती है। इस सॉस के ऊपर भी थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। गार्लिक नूडल्स विद हॉट सॉस वेजी बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही यमी लगती है। फ्रेंड्स जरूर से ट्राई कीजिए और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर प्लीज लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।